हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, वेलकम टू माय चैनल। देखिए फ्रेंड्स, आज मैं आपको दो और तीन नंबर लड्डू गोपाल जी के लिए ये प्यारी सी ड्रेस बनाना बताऊंगी। इसको बनाना बहुत ही आसान है। इसको आप सिंपल घेरे के साथ भी बना सकते हैं। मैंने यहाँ पर ये फ्रंट पोस्ट वाला घेरा बनाया है। आप चाहे तो सिंपल घेरा बना लें, फिर इस डिजाइन आगे का डिजाइन बनाएं, और छोटे बड़े साइज़ में आप इसको आसानी से बना सकते हैं। जितना बड़ा आपको घेरा रखना है छोटे लड्डू गोपाल जी के लिए, तो आप यहाँ पर कम राउंड लगाएं, उसके बाद ये डिजाइन बनाएं। अगर आप बड़े लड्डू गोपाल जी के लिए बनाना चाहते हैं तो घेरे को थोड़ा सा बढ़ा लीजिए, उसके बाद आगे का डिजाइन स्टार्ट कीजिए, तो आपकी ड्रेस बड़े साइज में बन जाएगी। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने फ्रंट पोस्ट घेरा बनाकर रेडी कर लिया है। आप अपने हिसाब से जितना बड़ा आपको चाहिए उतना बड़ा आप फ्रंट पोस्ट घेरा बनाकर रेडी कर सकते हैं। चाहे तो आप सिंपल फ्रंट घेरा भी ऐसे बना सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पर हम जो डिजाइन बनाएंगे उसके लिए एक दो तीन तीन चैन हमने एक डबल क्रोशिया की हाइट की ली। अब देखिए, जहाँ पर हमने ये बनाया है वहीं पर एक डबल क्रोशिया हम और बनाएंगे। तो हमारे यहाँ पर देखिए, एक जगह पर ये दो डबल क्रोशिया काउंट होंगे, इस तरह से सेम प्लेस पर दो डबल क्रोशिया। अब एक दो तीन चार, चार चैन लेंगे, और नीचे से देखिए एक दो तीन, तीन हम स्किप करेंगे और फोर्थ चैन में जाकर फिर से हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक डबल क्रोशिया बनाया और फिर से यहीं पर एक बार और डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए इस तरह से। अब देखिए, फिर से एक दो तीन चार, चार चैन ली और नीचे से देखिए एक दो तीन, तीन चैन स्किप की और फोर्थ चैन के अंदर जाकर हमने डबल क्रोशिया बनाया। एक डबल क्रोशिया बनाया और यहीं पर हमने एक बार फिर से डबल क्रोशिया बनाया। तो हमारे यहाँ पर देखिए सेम प्लेस पर दो डबल क्रोशिया काउंट होंगे। नीचे से तीन स्किप किए हैं और चार चैन। इसी तरह से बनाते हुए हम रो को कंप्लीट करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये रो हमारी बनकर कंप्लीट हो गई है। अब देखिए, यहाँ से हम एक चैन लेंगे। एक चैन लेने के बाद इस तरह से लूप लेंगे और जो हमारा ये दूसरे वाला डबल क्रोशिया है, सेकेंड वाला, इसके अंदर हम इस तरह से पकड़ेंगे और यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक बनाया, फिर से यहीं पर बनाएंगे दो डबल क्रोशिया, फिर से बनाया तीन डबल क्रोशिया, फिर से बनाएंगे एक बार और चार डबल क्रोशिया, और एक बार और बनाया पांच डबल क्रोशिया। तो सेकंड वाले के अंदर हमने यहाँ पर पांच बार डबल क्रोशिया बना लिया इस तरह से। अब देखिए, जो हमारा इधर वाला है इसके अंदर भी हम इस तरह से घुमाएंगे, इस तरह से लूप लिया और सेकंड वाले को इस तरह से उठाया, और इसके अंदर भी हम इस तरह से एक बार डबल क्रोशिया बनाया, फिर से बनाया दो तीन चार, एक बार और बनाएंगे यहाँ पर पांच। देखिए इस तरह से पांच बार इसके अंदर हमने इधर वाले के अंदर डबल क्रोशिया बना लिया। अब देखिए, इस तरह से लूप लेंगे और जो हमने चार चैन बनाई है इसके अंदर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से एक डबल क्रोशिया बनाया, दो फिर से बनाया, तीन फिर से बनाएंगे, चार फिर से बनाए, पांच डबल क्रोशिया और एक और बनाया छह डबल क्रोशिया। तो चार चैन के अंदर हमने इस तरह से छह बार डबल क्रोशिया बना लिया। अब देखिए, फिर से हम इस तरह से लूप लेंगे और सेकंड वाले को उठाएंगे। फर्स्ट वाले के अंदर हम बाद में बनाएंगे, पहले हमें सेकंड वाले के अंदर बनाना है। इस तरह से उठाया और यहाँ पर हम एक डबल क्रोशिया बनाया, दो तीन चार, फिर से बनाया पांच। पांच बार डबल क्रोशिया बनाने के बाद अब जो हमारा ये फर्स्ट वाला है उसको इस तरह से उठाएंगे, घुमाएंगे, और इस तरह से बनाने में हमें दिक्कत नहीं आएगी, तो इस तरह से हम पकड़ लेंगे और इसके अंदर भी हम पांच बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक बार बनाया, फिर से लूप लिया दो, फिर से बनाया तीन डबल क्रोशिया, फिर से धागा लेंगे चार डबल क्रोशिया, फिर से लिया पांच डबल क्रोशिया।
तो हमने यहाँ पर देखिए फर्स्ट वाले के अंदर भी 5 बार डबल क्रोसिया बना दिया। इस तरह से देखिए ये हमारे फ्लावर बन गया। अब इस तरह से लूप लिया और 4 चैन के अंदर फिर से हम 6 बार डबल क्रोसिया बनाएंगे। एक बार बनाया, दो, फिर से बनाया 3 डबल क्रोसिया, फिर से बनाया 4 डबल क्रोसिया, फिर से बनाएंगे 5 डबल क्रोसिया और फिर से बनाया 6 डबल क्रोसिया। देखिए इस तरह से हमारा ये डिज़ाइन बनता चला जाएगा और इसी तरह से बनाते हुए मैं रो को कंप्लीट कर लेती हूँ। अब देखिए 6 डबल क्रोसिया बनाने के बाद ये सेकंड वाला है, इसके अंदर हम बनाएंगे और फिर घुमाते हुए हम इसके अंदर बनाएंगे। इसी तरह से बनाते हुए मैं रो को कंप्लीट कर लेती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ तक मैंने बनाकर पूरे को रेडी कर लिया है। इस तरह से देखिए हमारा ये डिज़ाइन बनकर कंप्लीट हुआ है। अब देखिए यहाँ से मैं क्रीम कलर का धागा ऐड करूँगी। देखिए इस तरह से क्रीम कलर को ले लिया है। अब देखिए देखिए जो हमने ये 6 डबल क्रोसिया बनाए थे, तो यहाँ से हम पहले तो इसको जॉइंट करेंगे इस तरह से। इसमें से निकालेंगे और इसमें से, दोनों में से निकालने के बाद इस धागे को थोड़ा सा खींच लेंगे। अब देखिए जॉइंट करने के बाद येलो कलर के धागे को मैं यहाँ से कट कर देती हूँ, क्योंकि हमारा इस कलर का वर्क ख़त्म हो गया है। देखिए 1 चैन लेंगे यहाँ पर और फर्स्ट वाले के अंदर ही हम एक बार सिंगल क्रोशिया करेंगे इस तरह से, और जो ये धागे हैं इनको हम साथ में लेकर चलेंगे, ये अंदर की तरफ हाइड हो जाएंगे। देखिए यहाँ पर टोटल हमारे 6 डबल क्रोसिया है, तो फर्स्ट के ऊपर हमने एक बार सिंगल क्रोसिया बनाया और सेकंड के ऊपर हम इस तरह से एक बार बनाया और फिर से यहीं पर बनाएंगे 2 बार सिंगल क्रोसिया। देखिए फर्स्ट और लास्ट के ऊपर हम एक एक सिंगल क्रोसिया बनाएंगे और बीच में जो हमारे 4 डबल क्रोसिया है उनके ऊपर हम 2 2 बार एक के अंदर डबल क्रो सिंगल क्रोसिया बनाएंगे इस तरह से। अब देखिए सेकंड के अंदर, फर्स्ट के अंदर हमने एक बार बनाया, सेकंड के अंदर 2 बार, इसके अंदर भी 2 बार सिंगल क्रोसिया। अब थर्ड के अंदर भी हम 2 बार बनाएंगे, एक बार बनाया और फिर से यहीं पर एक बार और बनाया। अब देखिए फोर्थ के ऊपर इस तरह से एक बार बनाया और फिर से एक बार और बनाएंगे। अब देखिए लास्ट जो हमारा ये 6 डबल क्रोसिया है, इसके ऊपर हम एक बार बनाएंगे इस तरह से। देखिए पहले के ऊपर हमने एक बार बनाया और लास्ट के ऊपर और बीच के जो 4 है उनके ऊपर एक में 2 2 बार सिंगल क्रोसिया बनाया है। अब देखिए फिर से हम इधर से जो हमारा ये 6 वाले डबल क्रोसिया बनाए हैं, 6, उनमें से हम फर्स्ट के ऊपर जाएंगे और एक बार सिंगल क्रोसिया करेंगे इस तरह से। अब सेकंड वाले के ऊपर 2 बार, एक बार बनाया और फिर से देखिए यहीं पर हम एक बार और बनाएंगे सिंगल क्रोसिया 2 बार। अब उससे नेक्स्ट में जाएंगे, एक बार बनाया और फिर से यहीं पर हम एक बार और बनाएंगे। नेक्स्ट में जाएंगे, एक बार बनाया और फिर से हम यहीं पर एक बार और बनाएंगे। नेक्स्ट पे जाएंगे, फोर्थ के अंदर जाएंगे, एक बार बनाया और फिर से यहीं पर एक बार और बनाएंगे। अब जो हमारा लास्ट है उसके ऊपर हम एक बार डबल सिंगल क्रोसिया बनाएंगे। देखिए इस तरह से हमारा ये डिज़ाइन बनता चला जाएगा। देखिए ये ध्यान में रखना है कि फर्स्ट और लास्ट के अंदर हम एक एक सिंगल क्रोसिया और बीच के जो 4 डबल क्रोसिया है उनके अंदर 2 2 बार सिंगल क्रोसिया बनाते हुए रो को कंप्लीट कर लेते हैं।
देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने चारों तरफ ये बॉर्डर बनाकर तैयार कर दिया है और बनने के बाद ड्रेस का लुक कुछ इस तरह से आया है। आप चाहे तो यहाँ पर एक एक पर्ल भी अटैच कर सकते हैं। देखिए कितनी प्यारी हमारी ये ड्रेस बनकर तैयार हुई है। आप इसको किसी भी कलर में बना सकते हैं। आई होप आपको मेरे बताने का तरीका पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।